गाइस वेलकम टू द पाकिस्तानी ब्रोज रिएक्शंस। तो मेरा नाम वजाहत है, मैं हूं वैश्य सवेज। आज की वीडियो का टाइटल है 30 डिसीजन दैट चेंज इंडिया टेकन बाय पीएम मोदी। 30 ऐसे फैसले बताए गए हैं जो पीएम मोदी ने लिए थे, जिसने पूरे इंडिया को चेंज कर दिया। तो देखते हैं वीडियो पहले, उसी के बाद पता लगेगा वो कौन से 30 फैसले थे। तो काउंट ऑन करते हैं, स्टार्ट। ये तो भाव बनी गया ना, है ना। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, दामोदर दास मोदी, भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मतलब ये जब उन्होंने वो उठाया था ना, उनका रुद्र सा, ये सा, रुद्र सा, कि सरकार वो हो जो गरीबों के लिए सोचे, सरकार वो हो सरकार जो गरीबों को सुने, सरकार वो हो जो गरीबों के लिए जिए। क्या बात है यार। इसलिए नई सरकार देश के गरीबों को समर्पित है, देश के कोटि कोटि युवकों को समर्पित है। और मान सम्मान के लिए तरसती हमारी मां बहनों के लिए समर्पित। क्या बातें बोली है भाई इन्होंने। यहाँ पर कितनी संख्या क्यों ना हो, लेकिन मुझे आपके बिना आगे नहीं बढ़ना। मतलब सबके साथ आगे बढ़ना है, के बल पर नहीं चलना है, हमें सामूहिकता के बल पर चलना है। मोदी सरकार के 3 साल कितना बदला देश का हाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। आज से ठीक 3 साल पहले 16 मई के दिन इस देश की जनता ने एक इतिहास बनाया था। 30 साल बाद किसी पार्टी को अकेले सरकार बनाने का बहुमत मिला। मतलब अकेले साल, अकेले बार हुआ था कि देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे ज्यादा समय तक देश पर राज करने वाली पार्टी के पास प्रमुख विपक्षी पार्टी की हैसियत के लिए भी सीटें कम पड़ रही थी। हम मानते हैं कि सरकारों की सालगिरह इस बात का मौका होती है कि हम उनके कामकाज का मूल्यांकन करें। आज इसलिए तो हम चाहते हैं कि आप मोदी सरकार के कामकाज को पीछे मुड़कर देखें और खुद मतलब पीछे मुड़ के देखें कि देश क्या किया कहां खड़ा है। 3 सालों में मतलब कितना बदला है। हम मोदी सरकार के 30 अहम फैसलों की चर्चा करेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर बजट और नोटबंदी तक। मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। अब बंद, मतलब हाँ ये बंद हुआ ना, कानूनन अमान्य होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया तो इसे आजाद भारत के इतिहास में आर्थिक सुधार का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम बताया गया। मोदी सरकार के 3 साल के शासन में नोटबंदी को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर गिना जाएगा। विपक्ष ने सरकार के इस कदम का विरोध भी किया, लेकिन स्थानीय निकाय से लेकर राज्य मतलब कांग्रेस ने विरोध भी किया। जारी बात है, पैसा छुपाया होगा ना, लेकिन फैसले पर मोहर लगा एकदम पैसा बदलाने के लिए लाए होंगे, आगे कुछ नहीं होगा। जिस ट्रिपल तलाक पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उसे लेकर भी केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ी पहल की। बीजेपी ने न केवल यूपी चुनाव के मैनिफेस्टो में ट्रिपल तलाक के मुद्दे को शामिल किया, बल्कि प्रधानमंत्री ने मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने की बात कही। 3 तलाक के संकट से गुजर रही हमारी माताओं बहनों को भी बचाने के लिए उसी समाज से लोग आएंगे। और मैं मुसलमान समाज के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि इस मसले को राजनीति के दायरे में मत जाने दीजिए। इसके अलावा केंद्र की मोदी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी एक कदम आगे बढ़ी। लॉ कमीशन ने आम लोगों के लिए 16 सवालों की एक सूची जारी की, जिससे पर्सनल लॉ, 3 तलाक, बहुविवाह,
गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार जैसे विषयों पर लोगों की राय मांगी गई। मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में सर्जिकल स्ट्राइक भी शुमार है। 29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। हम अगर वो द्वारा कोई भी स्ट्राइक घुसते रहते हैं, हाँ, कभी एक करने की जरूरत नहीं कि वो मेरे लिए कर रहा है, दुश्मनी है ना यार, क्या कंट्रीज में जब इतनी दुश्मनी है, वो अपनी एक्सरसाइज अपने स्वास्थ्य के लिए करता है जी। काफी बड़े बड़े फैसले हैं यार इसमें, लग भी रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने चुनाव सुधार को लेकर भी बड़ी पहल की है। सरकार ने सुझाव दिया कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ कराए जाने चाहिए। कानून मंत्रालय ने इस मुद्दे पर कानूनी और दूसरे पहलुओं से विचार करने का सुझाव दिया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव साथ साथ कराने की बात कही थी। केंद्र सरकार ने मार्च अप्रैल 2015 में ऑपरेशन राहत के जरिए यमन में लोगों का रेस्क्यू किया। यमन में इस ऑपरेशन की कामयाबी की पूरी दुनिया में चर्चा हुई। इस ऑपरेशन में कुल 6,710 नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, 6,710 जिनमें 4,748 भारतीय थे। मतलब 4,710 भारतीय, मतलब पाकिस्तानी भी होते भारतीय। योग को लेकर मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि रही। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिल गई। अच्छा। भारत ने जब संयुक्त राष्ट्र में इसका प्रस्ताव रखा तो उसे 175 देशों का समर्थन मिला था। इससे पहले खुद प्रधानमंत्री मोदी ने यूएन जनरल असेंबली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था। योगा डे ना, ये क्या पीएम है, मतलब लोगों के दरमियान खड़ा होकर ये काम कर रहा है। मोदी सरकार के लिए इन 3 वर्षों में कई ऐसे मौके आए जब सरकार के लिए फैसला लेना आसान नहीं था। दिक्कत फैसले लेने के बाद भी आई क्योंकि उसे अपने फैसलों को लेकर विपक्ष को राजी कर पाना भी आसान नहीं था। लेकिन मोदी सरकार के लिए अच्छी बात यह रही कि जनता की अदालत में उसे साथ मिला और देश के कई राज्य में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी को कामयाबी मिली। यार फूलों की बारिश हुई है मोदी जी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद का राजनीतिक ग्राफ बहुत ऊपर बढ़ गया। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। देश भर में बीजेपी के विधायकों की संख्या मई 2014 में 1050 थी, जो कि मई 2017 में बढ़कर 1352 हो गई है। यानी 3 साल में बीजेपी के 302 विधायक बढ़ गए। इस बीच हरियाणा, महाराष्ट्र, असम, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और गोवा में बीजेपी की या बीजेपी गठबंधन की सरकार भी बनी। संकल्प पत्र रखते समय मैंने कहा था कि हम मनुष्य कोई भी है गलती कर सकता है, मैंने कहा था हमसे गलती हो सकती है लेकिन गलत इरादे से कोई काम नहीं करें। सरकार की एक बड़ी उपलब्धि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तो स्कीम भी रही। इंडिया कहां खड़ा है? 2013-2014 में जहां 7,367 करोड़ रुपए 10,71,00,000 लोगों को ट्रांसफर किए गए, वहीं 2016-2017 में 74,502 करोड़ रुपए 33,33,00,000 लोगों को ट्रांसफर किए गए। आधार कार्ड को लेकर आज आम लोगों में जागरूकता तेजी से बढ़ती जा रही है। 31 मई 2014 यानी जब मोदी सरकार केंद्र की सत्ता में आई तब पूरे देश में 6.7 करोड़ अकाउंट आधार से जुड़े हुए। अच्छा। थे, जबकि मई 2017 में पूरे देश में 39 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट आधार से जुड़ गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति को बढ़ाना 7 करोड़ से 40 पे 2014-2015 से 2016-2017 के बीच 14,528 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए, अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। वाह भाई,
भेदभाव नहीं होना, मतलब कि बिजली खत्म हो। स्वच्छ भारत मिशन खुद प्रधानमंत्री मोदी का महत्वाकांक्षी मिशन है और उन्होंने हर मंच से लोगों का आह्वान किया, वो देश को साफ सुथरा बनाने के लिए आगे आए। क्या बात है, खुद सफाई कर रहा हूँ। इन चश्मों से महात्मा गांधी देख रहे हैं कि बेटे भारत को स्वच्छ किया कि नहीं किया। यह सफाई तो उन्होंने बोल दिया है, लोगों नहीं है। इन चश्मा से गांधी देख रहे हैं, मेरे ही चश्मे से क्या किया, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कब तक करोगे। मोदी सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत पिछले 3 वर्षों में कुल 172,418 गांवों को खुले में शौच मुक्त गांव घोषित किया गया है। इसी तरह 2017 में 515 शहरों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया। बहुत ज्यादा है भाई ये, अभी तो और हो गया होगा। जी मीडिया, तो आप देख रहे हैं आज मोदी सरकार के 3 साल 30 कमाल, और हम ये कह रहे हैं कि आज इस देश के लोगों के सामने ये मौका है कि वो सरकार के कामकाज कर ले। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इस देश की बागडोर संभालने के बाद कहा था कि वो इस देश के प्रधान सेवक हैं। ऐसे में इस देश के हर नागरिक, हर वोटर का ये अधिकार है कि वो सरकार के काम को बारीकी से देखे और उस पर अपनी राय दे। आज इसीलिए जी न्यूज चाहता है कि आप, आपके घर के लोग, आपके तमाम दोस्त, मतलब पूरे रिकॉर्ड देंगे ना, इस मौके पर सरकार की उन नीतियों को समझें जो पिछले 3 साल में सामने आई। मोदी सरकार ने देश का सालाना बजट 1 महीने पहले पेश करने की परंपरा शुरू कर दी। प्रधानमंत्री ने ये कहते हुए 1 फरवरी को बजट पेश करने की पहल की कि इससे परियोजनाएं पहले के मुकाबले तेजी से लागू हो सकेंगी, यानी इससे अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव होगा और योजनाओं के लिए वित्त वर्ष की शुरुआत में ही पैसे मिल सकेंगे। मोदी सरकार के जिन 30 फैसलों की हम बात कर रहे हैं उनमें रेलवे बजट खत्म करना भी शामिल है। अब देश में अलग से रेल बजट पेश नहीं किया जाएगा। इसी साल से रेल बजट को आम बजट का हिस्सा बना दिया गया। ऐसा करने से भारतीय रेलवे हर साल 10,000 करोड़ रुपए बचा पाएगा। पिछले 3 वर्षों में गाँव में सड़क बनाने का काम भी काफी तेजी से आगे बढ़ा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2013-14 में 25,316 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई गई, जबकि 2016-17 में यह आंकड़ा 40,010 किलोमीटर तक पहुंच गया। ध्यान देने की बात यह है कि सड़कों के बनाए जाने की रफ्तार में भी तेजी आई है। मिसाल के तौर पर पिछले 3 साल में औसतन प्रतिदिन 73 किलोमीटर सड़क बनाई गई, जो 2014-15 में बढ़कर 100 किलोमीटर हो गई। 2016-17 में सड़क निर्माण की रफ्तार बढ़कर 130 किलोमीटर प्रतिदिन पहुंच गई, जो कि पिछले 7 वर्षों का नया रिकॉर्ड। दिन में 130 किलोमीटर। आंकड़ों की माने तो एलपीजी कनेक्शन के मामले में भी मोदी सरकार ने काफी कामयाबी हासिल की। 1 अप्रैल 2014 को देश की 55.9% आबादी के पास एलपीजी कनेक्शन था, अच्छा। जबकि 1 मार्च 2017 को यह आंकड़ा 71.7% तक पहुँच गया। ऐसा आमतौर पर होता है कि देश की आम जनता महंगाई दर, जीडीपी और सेंसस की खबरों से खुद को जोड़ नहीं पाती और ये नहीं समझ पाती कि देश की अर्थव्यवस्था के ये आंकड़े उनकी जिंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं, उनकी जिंदगी पर क्या असर डालते हैं। ऐसे में आपका ये जानना भी बहुत जरूरी है कि मोदी सरकार के 3 साल के बारे में ये आंकड़े क्या कहते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए। देश में अप्रैल 2014 से 31 दिसंबर 2016 के बीच 33,210 करोड़ रुपए की अघोषित आय सामने आई। इनकम टैक्स विभाग ने 751 मामले दर्ज किए, जबकि 75 लोगों को कोर्ट ने दोषी पाया। अच्छा, 75 लोग दोषी आए हैं। आर्थिक मोर्चे पर भी आंकड़े बीते 3 साल में मोदी सरकार के पक्ष में खड़े हैं। मिसाल के तौर पर मई 2014 में महंगाई दर 8.25% थी, जो कि अप्रैल 2017 में घटकर 2.99% हो गई। महंगाई कम हुई है। इसी तरह थोक महंगाई दर मई 2014 में 6% थी, जो कि अप्रैल 2017 में 3.85% रह गई। ध्यान देने की बात यह है कि देश का जीडीपी मई 2014 में 4.6% था, वो जनवरी 2017 में बढ़कर 7.1% हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभालने के बाद ही अपील की थी कि जिन लोगों को जरूरत नहीं है वो अपनी रसोई गैस सब्सिडी छोड़ दे। 27 मई 2015 को सब्सिडी छोड़ने की अपील की गई थी, जिसके बाद अब तक करीब 1.5 करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी है। सरकार बनने के बाद मैंने देशवासियों को एक छोटी सी अपील की थी लाल किले पर से, और मैंने कहा था भाई अगर आप को अफोर्ड कर सकते हैं तो आप सब्सिडी छोड़ दीजिए ना। ये सब्सिडी क्या होता है यार, कमेंट सेक्शन में बताना। और मैं आज इसके बारे में गर्व के साथ कहता हूँ, मेरे देश के 1,20,00,000 परिवारों ने गैस की सब्सिडी सरेंडर कर दी। मोदी सरकार ने जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की
उसके तहत 19,80,000 लोगों ने स्किल ट्रेनिंग ली। ये योजना जुलाई 2015 में लागू की गई थी। किसी भी देश की आर्थिक स्थिति इस बात से तय होती है कि उसके पास कुल विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, यानी देश तो बहुत चीज में फॉरेक्स रिजर्व जो कि अभी 600 बिलियन डॉलर है। देश के लिए संतोष की बात यह है कि पिछले 3 सालों में ये आंकड़ा बढ़ा है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय का ग्राफ भी ऊपर गया। देश में मई 2014 में विदेश मुद्रा का भंडार 21,00,000 करोड़ रुपए का था, जो कि मई 2017 में बढ़कर 24,00,000 करोड़ हो गया। और अब भी पता नहीं कितना है, 600 बिलियन डॉलर के स्तर पर कितना बन गया आज, यानी 16 मई 2017 को 30,582 पर है। भारतीय मुद्रा की कीमत 19 मई 2014 को $1 के मुकाबले 58.43 रुपए थी, जबकि मई 2017 में $1 की कीमत 64.09 रुपए है। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के मामले में मोदी सरकार के पास खुश होने की वजह है, क्योंकि 2013-14 में यह आंकड़ा 74,380 था, जो कि 2016-17 में बढ़कर 1.03 लाख पहुंच गया है। ध्यान देने की बात यह है कि पर्यटन से देश की कमाई बढ़ी है। 2013-14 में पर्यटन से 1,10,739 करोड़ की कमाई हुई थी, जो कि 2015-16 में बढ़कर 1,40,729 करोड़ पहुँच गए। लक्ष्य तय करना आसान होता है, लेकिन लक्ष्य को हासिल करना बहुत मुश्किल है। आलोचना करना बहुत ही आसान ये मोदी जी ने, लेकिन काम करना बहुत ही मुश्किल। सरकार इन 3 सालों में बहुत दूर आ गई है, आगे बढ़ी है, इसमें अभी बहुत दूर। इसी तरह तो ये वीडियो बताया मैं ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार क्या फैसले लिए हैं जिससे आज इंडिया इधर खड़ा। यार आज हम क्या बोले क्या बोले, हमें तो इतनी चीजें इसमें से पता नहीं थी जो इन्होंने जो चीजें वगैरह रखी हैं। क्या बोले भाई, मतलब के मोदी जी ने ऐसे ऐसे कमाल किए हैं, 30 ऐसे ऐसे स्टेप्स लिए कि पता भी लगता है कि क्या दिए हैं। बंदा शौक होता है लाले पूरा एक ये तीन स्टेप सब्सिडी वाला मुझे नहीं पता वो सब्सिडी क्या होता है, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। मतलब वो क्या मतलब गैस पे कोई सिस्टम होता है उनका, मेरा आई थिंक सो कोई होता है। लेकिन मुबशर आफरीन इस बात पे कि 3 सालों के अंदर 30 ऐसे मोदी जी ने फैसले किए कि इंडिया नीचे नहीं ऊपर गया। यार सबसे मुझे इसमें शॉकिंग फैक्ट लगा जो इनकी महंगाई ज्यादा थी और वो नोट रात को 12 बजे चेंज होंगे। हाँ 12 बजे और सोच कितने लोग पागल जिन्होंने करप्शन की होगी, जिन्होंने 5,000 के नोटों में जाहिर बात रखे तो उनका क्या हाल हो, वो तो बेचारे मर गए होंगे। जाहिर सी बात है। और मुबशर मतलब कि मुझे इस बात पे लगा इनकी महंगाई कम हुई है, नहीं तो मैं कहता हूँ कि इधर हमारी तरफ आज तक कम नहीं हुआ। यार बहुत कमाल के फैसले लिए हैं हमने तो यार, ये जान कर डॉलर कम हुआ है, कितना कम हुआ है, 74 पे था 64 पे लाया है, 64 पे लाया और अभी और सस्ता आए थे। अभी पता नहीं कितने का है ना इंडिया में, पता नहीं अब मुझे आई थिंक उतार चढ़ाव चलता रहता है ना आई थिंक, तो खैर वो थोड़ा बहुत चलता रहता है। फॉरेक्स रिजर्व बढ़े हैं, हर चीज मतलब बढ़ी यार, इंडिया की जीडीपी बढ़ी है 7% याद थी, वो टॉप ग्रोइंग कंट्री था, मतलब सबसे ज्यादा मतलब परसेंटेज थी इसकी। गैस लोग जब थे वो उसमें 50 से कम परसेंट आए तो 74% इन्होंने लोगों को सब तो इससे मतलब पता लगता है इनके फैसलों ने काफी इंडिया को चेंज किया। हमें तो यार बहुत ही मजा आया इस वीडियो पे, एक एक मतलब के एक एक चीज ऐसे फैक्ट में बोली है ना कि मैं बता नहीं सकता ऐसा ऐसा इंडिया को आगे लेके गया। तो यार आपको कुछ और पता हो तो मतलब इसके अलावा भी कुछ फैक्ट्स पता हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जो उसके बाद लिए हैं वो भी आप बता सकते हैं। एग्जैक्टली मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो चलाया था उधर वो भी है, क्योंकि फैन तो मोदी जी के दिल से हो गए। सही बात है यार, मतलब जिस तरह की ये वाले फैसले ले रहे हैं ना, मतलब बहुत कमाल। एग्जैक्टली तो यार आप लोग बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।